कोलरी क्षेत्र से अवैध रूप से प्रतिदिन 50 ट्रैक्टर हो रही कोयले चूर की चोरी अवैध बंगला ईंट भट्टा में खपाया जाता है। कोयला चोरों के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं होती है कार्रवाई। झरिया थाना क्षेत्र के बीसी सील एरिया 9 के राजापुर परियोजना अंतर्गत दोबारी खाद से प्रतिदिन लगभग 50 ट्रैक्टर कोयले के चूर का अवैध खनन कर अवैध रूप से ढुलाई की जा रही है, लेकिन बीसी सील के अधिकारी बीसी सील की संपत्ति की रक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान और झरिया पुलिस इसमें मौन साधे हुए हैं। आपको बता दें कि ये अवैध रूप से ढुलाई की जा रही है। कोयले के चूर यानी छोटे टुकड़े का उपयोग भी अवैध रूप से चल रही बंगला ईंट भट्टे में ईंट पकाने के उपयोग में लाया जाता है। इस पूरे कोयले के अवैध खेल में एक टीम काम कर रही है, जिसमें बंगला ईंट भट्टे का संचालक और अवैध रूप से कोयला चोरी कर ईंट भट्टा तक पहुंचाने वाले ट्रैक्टर मालिक शामिल हैं। ये लोग कोयला का चूर ले जाने के एवज में एक स्थानीय दबंग को पैसे देते हैं, साथ ही सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस को भी सेट किए हुए हैं। तभी तो जनता मजदूर संघ और कांग्रेस नेता के द्वारा झरिया थाना में और सीआईएसएफ को लिखित शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता मजदूर संघ सह कांग्रेस नेता बच्चा सिंह सहवादी ने बताया कि झरिया थाना सीआईएसएफ सहित बीसीसीएल के अधिकारी को ट्रैक्टर द्वारा कोलरी क्षेत्र से कोयले की चूर की चोरी की लिखित शिकायत 10 दिन पहले किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी अवैध रूप से कोयले की ढुलाई जारी है। अवैध रूप से कोयले की ढुलाई मामले में बस्ता कोला सीआईएसएफ इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है, छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने भी कहा कि जानकारी है, कार्रवाई की जाएगी। ये लोग आपका कुमारी खाद एक है, राजापुर परियोजना से सटे हुए हैं। कुमारी खाद से 7-8 ट्रैक्टर से ये लोग कोयला मिश्रित छाई, या ये भी कह सकते हैं कि वहाँ ऊपर पर ही कोयला है, उसको भी काट करके लोग नीचे छिपा करके ले जा सकते हैं या ले जा रहे होंगे। इस संबंध में हमने प्रशासनिक बीसीसीएल सारे लोगों को समय समय पर दसनों बार लिखित रूप में दे चुका, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। कितना ट्रैक्टर डेली जाता है और कहाँ जाता है? लगभग 6 ट्रैक्टर है। कहाँ जाता है ये भूतगढ़िया लो ले जाता है। क्या करता है इसको लगा? बंगला भट्टा में ये लोग इसका सप्लाई देते हैं, बंगला भट्टा का ईंट पकाने के लिए। कैसे पर बीसीसीएल इस पर ध्यान नहीं दे रही है? सारे लोगों को मेरे पास लिखित रूप में है, थाना सीआईएसएफ बीसीसीएल सारे लोगों को है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लगाता है। जाहिर बात है, क्यों नहीं लगता है? क्या ले रहा ट्रैक्टर में? छाया। तो कोयला है? नहीं, छाया। कहाँ से ले आ रहा है? छाया कहाँ से ले जा रहे हो? कहाँ से ले आ रहा छाया? बर्फ का सर। कौन ऑर्डर दिया? उन लोग के नहीं मालूम। किसका है? कहाँ लेके जा रहा माल? ये गाड़ी तो गुड्डू पास है। और कौन कौन जाता है लेके? हम लोग के नहीं मालूम है, खाली हम आए। कितना ट्रैक्टर ले जाता है डेली? डेली यहाँ देखो। अरे यार, अरे बताओ ना डेली।